दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-35 के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है या नहीं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। MiG-35 एक रशियन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे कि मिकोए ने डिज़ाइन किया है। ये यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की एक डिवीजन है। इसे एक 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर मार्केट किया जा रहा है। ये MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे सबसे पहली बार एरो इंडिया शो 2007 में दिखाया गया था। इसके सिंगल सीट वेरिएंट को MiG-35S कहा जाता है और 2-सीट वेरिएंट को MiG-35U भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट में बेसलाइन MiG-29 के मुकाबले में इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स वेपन सिस्टम्स और नए प्रिसीजन गाइडेड टारगेटिंग केपेबिलिटी और यूनिकली डिजाइंड ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम जैसे सिस्टम लगाए गए हैं और इसके साथ ही इसमें एक AES रडार भी लगाया गया है। इसके साथ ही इसमें अपग्रेडेड इंजन का भी इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए अब इस एयरक्राफ्ट को डिटेल में जान लेते हैं। MiG-35 एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट 2007 में हुई थी। अभी तक इस एयरक्राफ्ट की 10 यूनिट्स बनाई गई हैं। इस एयरक्राफ्ट को MiG-29M एयरक्राफ्ट से डेवलप किया गया है। इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ 19 मीटर्स की है और इसका विंग स्पैन 15 मीटर्स का है और इसकी हाइट 6 मीटर्स की है। इसका एम्प्टी वेट 11,000 किलोग्राम का है और इसका लोडेड वेट 17,500 किलोग्राम का है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 29,700 किलोग्राम का है और इसमें 2 इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि क्लिमोव RD-33M के आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स हैं। MMRCA टेंडर में हमें जो भी एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं उसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी वाला ये इकलौता एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इंजन 53.0 kN का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और 88.3 kN का आफ्टर बर्नर के साथ वेट थ्रस्ट जनरेट करता है। इस एयरक्राफ्ट के इंजन के बारे में डिटेल में हम इस एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन जानने के बाद बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है। इसकी मैक्सिमम स्पीड Mach 2.5 की बताई जा रही है और इसकी रेंज जो बताई जा रही है वो 2000 किलोमीटर की है। इसकी फेरी रेंज 3100 किलोमीटर की बताई जा रही है और इसकी सर्विस सीलिंग 17,500 मीटर की बताई जा रही है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर सेकंड्स है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.14 का है। इसमें 9 हार्ड पॉइंट्स हैं जो कि 8 हार्ड पॉइंट्स विंग्स के नीचे हैं और एक सेंटर लाइन के ऊपर है। इसमें एक 30mm की GSH-30 कैनन लगी हुई है जिसमें 150 राउंड्स अवेलेबल हैं। ये अनगाइडेड और लेजर गाइडेड रॉकेट्स दोनों का इस्तेमाल कर सकता है और ये R-73, R-74 और R-77 जैसी मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है जिसमें KH-31A, KH-31P, AS-14 केज और KH-29T और KH-29-6 मिसाइल शामिल हैं। ये गाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। ये KAB-500L 500 किलोग्राम के लेजर गाइडेड बॉम्ब को कैरी कर सकता है और KAB-500T एक 500 किलोग्राम के TV गाइडेड बॉम्ब को कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ये अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी कैरी कर सकता है। MiG-35 रशिया के MiG-29M2 का एक मॉडर्न सिस्टम के साथ कंबाइन किया गया एक नया एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिसमें एक AES रडार भी लगा हुआ है। इसके इम्प्रूव्ड एवियोनिक्स वेपन सिस्टम्स और नए AES रडार के साथ और एक नए लगे हुए यूनिकली डिजाइंड ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम के साथ ये एयरक्राफ्ट ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन सिस्टम्स के ऊपर कम डिपेंडेंट हो जाता है और ये MiG-35 एयरक्राफ्ट अपने मल्टी रोल मिशंस को इंडिपेंडेंटली कर सकता है। इसे आप रशियन सिस्टम्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विदेशी सिस्टम्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एवियोनिक्स की अगर हम बात करें तो MiG-35 एयरक्राफ्ट में नया फेजेट्रॉन ZAC AES रडार लगाया गया है। ये पहला एक रशियन रडार है जो कि एक AES रडार है और एक रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक फेजेट्रॉन ZAC AES रडार में बहुत तरह की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसीज आपको मिल जाती हैं जिससे ये रडार इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। इसमें एक्सटेंडेड डिटेक्शन रेंज है और ये ज़्यादा एयर एंड ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस रडार में एक 688mm का एंटीना है और 1000 से ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हैं। इसकी जो इनिशियल स्टेज परफॉर्मेंस है उसमें इस रडार को 200 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज के ऊपर टेस्ट किया गया है जिसमें इसने एक 3 मीटर स्केयर के RCS वाले टारगेट को डिटेक्ट किया है।
इसकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 300 किलोमीटर की बताई जाती है और यह 30 टारगेट्स को एक टाइम पर ट्रैक कर सकता है और 6 टारगेट्स को एक ही टाइम पर एंगेज कर सकता है और 4 ग्राउंड टारगेट्स को एक ही टाइम पर एंगेज कर सकता है। इसमें OLS-13SM-1 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम लगाया गया है जो कि इंफ्रारेड सिग्नेचर के इस्तेमाल से दूसरे एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर सकता है और इसी सिस्टम के इस्तेमाल से ये एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम के साथ इस एयरक्राफ्ट को ग्राउंड, सी और ए टारगेट्स के अगेंस्ट लुक डाउन कैपेबिलिटी भी मिल जाती है। इसके फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर एयरबॉर्न थ्रेट्स को 55 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करने के कैपेबल है। इसके OLS-UEM सुइट में एक इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर लगा हुआ है, एक टीवी कैमरा लगा हुआ है जिसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कैपेबिलिटी है और मल्टी मोड लेजर रेंज फाइंडर लगा हुआ है जिसकी डिटेक्शन रेंज 20 किलोमीटर तक है। इसके साथ ही इसमें एक OLS-KOLS-KE पॉडेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगाया गया है जो कि इस एयरक्राफ्ट के साथ माउंट किया जा सकता है। इस सिस्टम को दूसरे एयर और ग्राउंड टारगेट्स को सर्च, डिटेक्ट एंड ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर, एक टीवी कैमरा लगा हुआ है जिसकी मदद से ये 20 किलोमीटर दूर से ग्राउंड टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और 40 किलोमीटर दूर से सी टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर पॉड की अगर हम बात करें तो इसके बारे में सिर्फ अभी तक यही जानकारी मिली है कि इसमें एक MSP-418KE कॉम्पैक्ट एक्टिव जैमर पॉड लगाया गया है जो कि इस एयरक्राफ्ट के 9 हार्ड पॉइंट्स के ऊपर एक्सटर्नली लगाया जा सकता है। इसका जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा सिस्टम लगा हुआ है। इसकी अगर एयर टू एयर मिसाइल्स के बारे में बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा लंबी दूरी की रेंज वाली मिसाइल R-77 मिसाइल है जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है। उसके बारे में जानकारी है कि ये 110 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है। इसके साथ ही ये दूसरी रशियन मिसाइल्स को भी कैरी कर पाएगा, लेकिन R-77 मिसाइल का एक अपग्रेड वेरियंट भी प्लान किया जा रहा है जो कि 190 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल होने वाली है। इसके साथ ही ये एयर टू सरफेस मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। ये एक KH-36 ग्रॉम E-1A2 ग्राउंड मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। इसके साथ ही ये एंटी रेडिएशन मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। ये KH-31PD एंटी रेडिएशन मिसाइल को कैरी कर सकता है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर की है और ये 110 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इसके साथ ही ये एक एंटी शिप मिसाइल को भी कैरी कर सकता है जिसका नाम KH-31AD है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर की बताई जा रही है और ये 110 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकती है। इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट की अगर हम बात करें तो इस एयरक्राफ्ट में एक ग्लास कॉकपिट है जिसमें नाइट विजन गॉगल्स भी प्रोवाइड की गई हैं। इसमें ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम के लिए एक एडिशनल डिस्प्ले लगाई गई है, यानी कि इसके ऑप्टिकल लोकेटर सिस्टम के लिए इसमें एक अलग से डिस्प्ले लगाई गई है। इसमें 3 इक्वल साइज की कलर LCD मल्टीफंक्शन डिस्प्लेस हैं, यानी कि एक ही साइज़ की इसमें 3 LCD डिस्प्लेस हैं। इसके ड्यूल सीट वेरिएंट में इसके रियर कॉकपिट में 4 अलग से LCD डिस्प्लेस लगाई गई हैं। इसके इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें हाईली इम्प्रूव्ड RD-33MK वेरिएंट लगाया गया है जो कि क्लिमोव RD-33 टर्बोफैन इंजन का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसमें 7% ज़्यादा पावर है और इसके साथ ही इसमें ज़्यादा मॉडर्न मटीरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये नए इंजन स्मोकलेस हैं और इसमें ऐसे सिस्टम लगाए गए हैं जिससे इनकी इंफ्रारेड और ऑप्टिकल विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। इस इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट एफिशिएंसी 12-15% बढ़ जाती है। RD-33OVT इंजन वेरियंट थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के साथ आता है जो कि 2 एक्सिस के ऊपर अपने थ्रस्ट को डायरेक्ट कर सकती हैं। इस एयरक्राफ्ट की मैनूवरेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो रशियन एयरक्राफ्ट के बारे में आम तौर पर यही समझा जाता है कि वो काफ़ी मैनूवरेबल एयरक्राफ्ट होते हैं। ये MiG-35 एयरक्राफ्ट भी एक हाईली मैनूवरेबल एयर सिक्योरिटी एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट में थ्रस्ट वेक्टरिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी क्लोज एयर टू एयर एंगेजमेंट्स में मैनूवरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस एयरक्राफ्ट में रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। इसकी जो फेरी रेंज है वो 3100 किलोमीटर की है और इसमें अगर इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कर दी जाए तो इसकी जो फेरी रेंज है वो 5400 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। इसके फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम को भी डिजिटाइज किया गया है और इसमें एक नया डिजिटल फ्यूल मीटरिंग सिस्टम लगाया गया है। इस एयरक्राफ्ट को हमारे MMRCA टेंडर में भी ऑफर किया गया था, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि उस टेंडर में इस एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस कैसी थी।
ऐसी जानकारी मिली है कि MMRC टेंडर के दौरान जब इस एयरक्राफ्ट को वैल्यूएट किया गया था तो तब इस एयरक्राफ्ट के एवियोनिक्स के साथ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। हमारी इंजीनियर फोर्स को इसके एवियोनिक्स पसंद नहीं आए थे। उनका कहना था कि जो इसका रडार है उसने मैक्सिमम टारगेटिंग डिस्टेंस को अचीव नहीं किया था, लेकिन बाद में शायद इसके रडार को अपग्रेड कर दिया गया है तो शायद अगले एवेल्युएशन में ये अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसके साथ ही जो इसके RD-33M के इंजन्स हैं वो भी सफिशिएंट थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जिसके कारण MiG-35 एयरक्राफ्ट को अप्रैल 2011 में इस टेंडर से बाहर कर दिया गया। अब नए MMRC 2.0 टेंडर के लिए फिर से रशिया ने इस एयरक्राफ्ट को ऑफर किया है। दोस्तों, इस एयरक्राफ्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसके इंजन्स की लाइफ काफ़ी कम है। इसके इंजन्स की जो ओवरहॉल लिमिट है वो 1000 आवर्स की है, यानी कि 1000 घंटों के बाद इस एयरक्राफ्ट के इंजन को ओवरहॉल की ज़रूरत होगी और इस एयरक्राफ्ट के इंजन की 4000 घंटों की लाइफ होगी, जिसके बाद इन इंजन्स को रिप्लेस करना होगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी मेंटेनेंस प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले भी हमारी रशियन इंजन्स के साथ यही प्रॉब्लम रही है कि उनके साथ कि उनकी मेंटेनेंस करना काफ़ी मुश्किल है और उनकी ओवरहॉल काफ़ी जल्दी करनी पड़ती है, जिसके कारण हमारी एयरफोर्स अभी वेस्टर्न एयरक्राफ्ट को फेवर कर रही है। अगर हम MMRC टेंडर के बारे में बात करें, इस एयरक्राफ्ट का जो वेपन पैकेज है वो इस टेंडर में मौजूद बाकी एयरक्राफ्ट के मुकाबले में थोड़ा कम केवेबल लगता है और इसके कम केवेबल इंजन्स के कारण ये एयरक्राफ्ट शायद फिर से चुना ना जाए और इसके एवियोनिक्स की अपग्रेड के बाद अभी इसे एवेल्युएट करना बाकी है और नई एवेल्युएशन के बाद ही ये पता चलेगा कि ये एयरक्राफ्ट कितना केवेबल है। लेकिन इन सभी चीज़ों के अलावा इस एयरक्राफ्ट की कीमत काफ़ी कम है। अगर एक कॉस्ट इफेक्टिव एयरक्राफ्ट के तौर पर इसे देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकता है। इसके साथ ही हमारे पास MiG-29 एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी फ्लीट है जिसको हम अभी MiG-35 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड कर रहे हैं, तो अगर ऐसे एयरक्राफ्ट खरीदे जाते हैं तो इनसे हमारी फ्लीट में कॉमनैलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि हमारी एयरफोर्स में एक ही तरह के एयरक्राफ्ट ज़्यादा होंगे, जिससे हमें ऐसे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करना ज़्यादा आसान होगा। तो दोस्तों, अभी देखना यही होगा कि हमारी एयरफोर्स की नई एवेल्युएशन में ये एयरक्राफ्ट कैसा रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।